हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। मतलब दोस्तों जो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम कैसे निकाले। वॉल्यूम का मतलब दोस्तों उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो वाटर टैंक है उसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है वो कैसे निकाले। आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। उसी के साथ में दोस्तों घर में कितने लीटर का वाटर टैंक बनाना चाहिए, मतलब अगर आप अपने घर के ऊपर राइट वाटर टैंक बनाते हैं तो कितने लीटर का टैंक जो है वाटर टैंक है वो आपको बनाना चाहिए। आपके घर में कितने मेंबर है उसके हिसाब से कितना लीटर आपका रोज का जो दोस्तों यूज होगा वो सारी डिटेल आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि कई जो हमारा घर होता है राइट, तो घर के हिसाब से कई लोग जो है जो रेडीमेड जो हमारे पीवीसी की वाटर टैंक आते हैं 1500 की जो लीटर की जो कैपेसिटी वाली वाटर टैंक है वो लगाते हैं। और कई बार दोस्तों लोग क्या करते हैं अपने ही टेरेस पर एक वाटर टैंक बना देते हैं। ठीक है, तो ये आरसीसी की मतलब कंक्रीट की जो वाटर टैंक है ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी कैसे निकाले, मतलब ये जो वाटर टैंक है उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है ये कैसे निकाले वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है, आपको ये जो वाटर टैंक है मतलब आपके घर की जो वाटर टैंक है उसका डायमेंशन मेजर कर लेने। कौन कौन से डायमेंशन मेजर करने हैं, जैसे कि उसकी लेंथ मतलब लंबाई, उसकी विड्थ मतलब चौड़ाई, उसकी डेप्थ मतलब गहराई, ये तीन डायमेंशन आपको मेजर कर लेने हैं। तो मैं भी मेजर कर लेता हूँ, यहाँ से मैं टेप उठाऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखिए तो 9 फीट है। यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी आएगा, देखिए ये 9 फीट है मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई 9 फीट। अब उसकी विड्थ की बारी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस करीबन देखिए 6 फीट आपको दिख रहा है, तो इसकी विड्थ कितनी है 6 फीट। उसके बाद उसकी गहराई मान नापेंगे अपन लोग राइट, जो इसकी गहराई है वो करीबन ठीक है, उसकी गहराई हम नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है। तो उसकी गहराई करीबन नीचे की तरफ मतलब करीबन 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच मतलब करीबन 2.5 फीट जो है उसकी गहराई है ठीक है। तो एक बार दोस्तों हमारे पास ये तीन डायमेंशन आ जाएंगे उसके बाद हम जो है मैं आप वॉल्यूम ऑफ टैंक कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैलकुलेट करने का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि किसी भी टैंक जो है रेक्टेंगुलर टैंक है उसके वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। तो आपको करना है लेंथ मतलब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ मतलब लंबाई गुनिया चौड़ाई गुनिया गहराई करेंगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक मिल जाएगा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ टैंक है तो लंबाई लेंथ कितनी है 9 फीट, विड्थ कितनी है मतलब चौड़ाई कितनी है 6 फीट और डेप्थ कितनी है 2 फीट और 6 इंच। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि ये देखिए ये फीट में है, ये फीट है और ये फीट और इंच में है, तो ये इंच जो है उसको हमें फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो इंच को फीट में कैसे ले जाएं, तो आपको पता ही होगा कि एक फीट बराबर 12 इंच होता है, तो 12 इंच बराबर एक फीट ये भी हो सकता है, तो 12 इंच बराबर एक फीट है तो 6 इंच बराबर कितना फीट हुआ, तो आधा फीट हुआ, तो 0.5 फीट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब 9 फीट बाय 6 फीट बाय 2.5 फीट ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा आ जाएगा 135 क्यूबिक फीट मतलब 135 क्यूबिक फीट मतलब घन फीट हमारा वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया ये वाला ठीक है। तो आपको जैसे पता है, अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एक क्यूबिक फीट अगर वॉल्यूम हो तो उसमें 28.31 लीटर पानी आता है। एक क्यूबिक फीट वॉल्यूम में 28.31 लीटर पानी आता है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना क्यूबिक फीट है, तो यहाँ पर 135 क्यूबिक फीट है, तो एक क्यूबिक फीट में 28.31 तो 135 में कितने आएंगे, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 28.31 तो करीबन 3821.85 लीटर पानी दोस्तों ये जो वाटर टैंक है इसमें स्टोर हो सकता है। तो राउंड फिगर करेंगे तो करीबन 2,3822 लीटर पानी ये जो टैंक है इसकी कैपेसिटी है इतना पानी ये स्टोर कर सकती है ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डायमेंशन डाल के जो टैंक की कैपेसिटी है वो निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए अब इंपॉर्टेंट बात में अब बात करते हैं कि अगर आपका नया घर बन रहा है तो घर में कितने लीटर का वाटर टैंक आपको बनाना चाहिए, या फिर वाटर जो रेडीमेड वाटर टैंक होती है वो कितने लीटर की आपको लानी चाहिए। तो एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक आदमी को पूरे दिन में करीबन 135 लीटर पानी की जरूरत होती है। दोस्तों एक जो आदमी है उसको सुबह से लेके नहाने से लेके मतलब कपड़े धोने से लेके खाना बनाने से लेके जो भी उसका डेली वर्क है उसमें वो 135 लीटर पानी यूज करता है, ऐसा दोस्तों
एज पर गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाइड किया है एवरेज निकाल के कि 135 लीटर ऑन एन एवरेज एक पर्सन यूज करता है, तो एक आदमी पर डे 135 लीटर पानी उसको जरूरत होता है। अगर 5 मेंबर की आपकी फैमिली है, आपके जो फैमिली है उसमें 5 मेंबर है, तो 135 × 5 मतलब 675 लीटर पानी की आपको जरूरत होगी एक दिन में, ठीक है। तो अब ये 675 है तो उसमें हम क्या करेंगे, 2% का एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। अब कोई इमरजेंसी मेहमान आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको 2% का एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे पर डे, मतलब 270 हो जाएगा 135 × 2, तो 270 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 945 हो जाएगा, ठीक है। तो 945 को राउंड फिगर हम करेंगे तो करीबन 1000 लीटर की वाटर टैंक आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है दोस्तों, अगर आपके घर में 5 मेंबर है तो आपको 1000 लीटर की वाटर टैंक सफिशेंटली आपको पूरी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके घर में 10 मेंबर है तो 135 × 10 मतलब 1350 हुआ। अब दोस्तों मेंबर्स बढ़ गए तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी वाटर हमने ऐड किया उसे भी थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2% का किया था, यह मैं 4% का ऐड करता हूँ, तो 135 × 4 करीबन 540 लीटर वाटर हम ज़्यादा मतलब एमरजेंसी के लिए रखेंगे, तो करीबन 1890 हो जाएगा। उसको राउंड फिगर कर देते हैं तो 2000 लीटर की वाटर टैंक हमें इंस्टॉल करनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं, अगर 5 मेंबर है तो 1000 लीटर, 10 मेंबर है तो 2000 लीटर। दोस्तों इस तरह से आप अपने फैमिली के लिए वाटर टैंक डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जो घर है उसमें कितना लीटर की वाटर टैंक हमें इंस्टॉल करनी चाहिए। तो दोस्तों इस ये था दोस्तों मेरा जो तो वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया कि वाटर टैंक की कैपेसिटी कैसे निकाले, और दोस्तों कि अगर आपके घर में जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से आपको कितना लीटर का वाटर टैंक आपको बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सीवी कॉन्सेप्ट।